और जैसा कि स्वामी जी अभी बता रहे थे कि वो किसी भी तरह के संवाद से पीछे नहीं हटे, चाहे सर सैयद अहमद खां के साथ संवाद था, चाहे कर्नल बुरुक के साथ संवाद था, चाहे बड़े बड़े सनातन धर्म के पौराणिक आचार्यों के साथ संवाद था, महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस संवाद को किया। और आज उसी तरह की बात हमारे बीच हमारे स्वामी अग्निवेश जी पूरे देश के अंदर कर रहे हैं। हम मानते हैं, हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि महर्षि दयानंद सरस्वती को भी क्रिस्तान कहते थे, कि ये क्रिश्चियन है। उनको चांदपुर में कहा गया कि स्वामी जी अगर आप पौराणिक मत की आलोचना बंद कर दें और मुस्लिम मत की और क्रिश्चियन मत की आलोचना कुछ ज्यादा कर दें तो आपका बड़ा उपकार होगा। उनको बताया गया कि अगर आप पौराणिक मत की व्याख्या करनी शुरू कर दें तो हम आपको उदयपुर के पास एक लिंग जी के मंदिर का महंत बना देंगे। ऋषि दयानंद का जवाब था, महाराणा को जवाब था, उन ऐसे लोगों को जवाब था जो सांप्रदायिकता के दलदल में उनको धांसना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं इन प्रपंचों में आने वाला नहीं हूं, मुझे वेद का संदेश दुनिया के अंदर देना है, और वो उन्होंने काम किया। हम स्वामी अग्निवेश जी को देखते हैं, हमने महर्षि दयानंद को नहीं देखा, हमने स्वामी श्रद्धानंद को नहीं देखा, हमने पंडित लेखराम को नहीं देखा, हमने हंसराज को नहीं देखा, हमने आर्य समाज के अनेक परवानों को नहीं देखा। पर हम जब महसूस करते हैं कि जब आदिवासी लोगों की कोई मांग उठाता है, जब देवबंद के अंदर जाकर अपनी बात रखता है, अगर क्रिश्चियंस में जाकर अगर कोई हमारे मत को प्रकट करता है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे स्वामी श्रद्धानंद जामा मस्जिद की मिंबर पर खड़ा होकर वेद का संदेश देता है, राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है, ऐसे भाव स्वामी अग्निवेश जी से प्रेरणा लेकर हम महसूस करते हैं। और आज का ये जो कार्यक्रम है, स्वामी जी ने अनेक कार्यक्रमों को संबोधित किया, स्थान स्थान पर जाकर किया, जामिया मिलिया में जाकर भी किया, कल मैं जामिया मिलिया में था। वो नौजवान, वो औरतें, वो बच्चे, वो लोग स्वामी जी की बात से प्रेरित होकर बार बार कह रहे थे कि स्वामी जी ने जो हमें संदेश दिया है उससे हमें ऐसा लगा कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरा समाज हमारे साथ है। स्वामी जी ने परसों ही यहाँ पर चर्च के एक बहुत बड़े संघ का आयोजन हुआ, काफी लोग थे मौजूद, आज भी हमारे चर्च के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके बीच में जाकर भी स्वामी जी ने वेद का संदेश दिया। और वेद के संदेश का अर्थ क्या है? वेद के संदेश का अर्थ कोई कर्म कांड नहीं है, स्वाहा 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 ये है, पर वेद के संदेश का अर्थ है कि हम पूरी मानवता को अपने में संजोएं, मानवता के संदेश को अपने में संजोएं। वो संदेश स्वामी अग्निवेश जी हम सबको दे रहे हैं। मैं आज के इस मौके पर एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, याद करो कि ये साल बड़ा महत्वपूर्ण का साल है। ये साल है गुरु नानक देव की महाराज की 550वीं जयंती का साल। गुरु नानक देव कौन? जो कहते थे सरबत का भला, मानस की एक जात, एक ही जात है मनुष्य की, जो थे हिंदू के गुरु और मुसलमान के पीर, वो थे गुरु नानक। पर आज पूरी दुनिया के अंदर गुरु नानक की जयंती मनाई जा रही है, हमारे देश में भी हमारी सरकार मना रही है। वो क्या करके मना रही है? वो करके मना रही है हिंदू और मुसलमान के बीच, हमारे देश के जो विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं उनके बीच टूटन पैदा करने का काम करके मना रही है। हमारे देश में भी महात्मा गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा की 150वीं जयंती है, कैसे मनाई जा रही है?
हमारी सरकार ने कहा हम एक ऐसा काम करेंगे जो पूरी दुनिया के अंदर अजूबा हुआ। हाँ, आपने वो काम किया, आपने जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाकर हिंदू और मुसलमान के बीच खाई खोदने का काम किया, वो गांधी जी को श्रद्धांजलि नहीं हो सकता। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये साले जलियांवाला बाग का 150वां जयंती वर्ष हमें याद रखना होगा कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर अनेक फौजियों को, सैकड़ों फौजियों को लेकर घुस गया था। उसने क्या किया था? निहत्थे बच्चों, औरतों, लोगों पर गोलियां बरपा की। और क्योंकि वो समझता था कि अगर ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब इकट्ठे हो गए तो तेरा राज चलने वाला नहीं है। इस जलियांवाला बाग को भी हमारी सरकार ने मनाया। कैसे मनाया? जामिया मिलिया में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इन्होंने पुलिस के जवान भेजे। पुलिस के जवान भी हमारे देश के हैं, हमारे किसानों के बच्चे हैं, उनके बच्चे भी कॉलेजेज में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, पर एक भड़कीली भीड़ बनाकर वहां भेजे। और फिर उन्होंने जो नृशंस वहां अत्याचार किए, मार पिटाई की, इस तरह से इस सरकार ने जलियांवाला बाग के 100 साल को मनाया। इसलिए हम सब कहना चाहते हैं, जामियांवाला बाग बना दिया। आपने सही कहा, जामियांवाला बाग बना दिया। और आज हमारे सामने चुनौती है, और चुनौती इस बात की है कि आर्य समाज कहाँ खड़ा रहेगा, आर्य समाज किस रूप में खड़ा रहेगा। आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन से प्रेरणा लेकर, उनके बलिदान से प्रेरणा लेकर, स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान से प्रेरणा लेकर, महात्मा हंसराज, भगत फूल सिंह जैसे लोगों के जीवन से प्रेरणा लेकर देश में समरसता का वातावरण बनाने का काम करेगा। यह आर्य समाज उन ताकतों के साथ खड़ा होगा जो लोग इस देश को पीछे ले जाना चाहती हैं, जो लोग आर्य समाज को सांप्रदायिकता की आग में धकेलना चाहते हैं। आज हमें इस बात का निश्चय लेना होगा, और उसी निश्चय के लिए आज हम इस जंतर मंतर के ऐतिहासिक स्थान पर स्वामी अग्निवेश जी के नेतृत्व में इकट्ठे हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि हम सब उस बात की अभिव्यक्ति देंगे, हम इस बात को कहेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए कृत संकल्प हैं, इस बात की अभिव्यक्ति देंगे। स्वामी जी कोई वैसे साधु नहीं है, काना बाती फोर, तुम हमारे चेला, हम तुम्हारे गुरु। स्वामी जी कोलकाता यूनिवर्सिटी में लॉ के प्रोफेसर रहे हैं। स्वामी जी काफी वर्षों तक हिंदुस्तान के अंदर जो संवैधानिक बुद्धिजीवी हैं, जो संविधान को मानने वाले लोगों की एक अग्रणी जमात हैं, उसमें से एक हैं। स्वामी जी हरियाणा में शिक्षा मंत्री रहे हैं, और उन्होंने बिना किसी सत्ता के लालच के उस दिन ठोकर मार दी जिस दिन फरीदाबाद के अंदर, हमारे फरीदाबाद के साथ यहाँ बैठे हैं, जिस दिन फरीदाबाद के भट्टा मजदूरों पर पुलिस ने और सरकार ने अत्याचार किए, उसी दिन स्वामी जी ने शिक्षा मंत्री के पद को ठोकर मारकर उन लोगों के बीच जाने का काम किया। इसलिए हम चाहते हैं कि ये नेतृत्व, ये है आर्य समाज का नेतृत्व। आर्य समाज का नेतृत्व वो कतई नहीं हो सकता जो लोग आरएसएस की गोदी में बैठकर ऋषि दयानंद की भावनाओं के साथ कुठाराघात करें। आर्य समाज का नेतृत्व वो कतई नहीं हो सकता जो लोग आज की सरकार की जो हिंदू मुसलमान को तोड़ने की नीति है उसका समर्थन करें। आर्य समाज एक विश्व वैश्विक संस्था है। आर्य समाज सबके भले की संस्था मानने वाली है। आर्य समाज
कृणवंतो विश्वमार्यम का नारा देने वाली संस्था है और आर्य समाज है वसुधैव कुटुंबकम, कि सारा दुनिया सारा विश्व मेरा परिवार है, यह है आर्य समाज। और हम इस आर्य समाज के मंच से, वसुधैव कुटुंबकम के मंच से, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को तोड़ने वाली किसी भी नीति का, किसी भी तरह की जो प्रणाली चल रही है उसका विरोध करते हैं, हम उनकी मुखालफत करते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर जो भी राष्ट्रीय एकता के लिए आंदोलन चल रहे हैं उसका समर्थन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं श्री हवा सिंह जी से, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हरियाणा के हैं, आर्य समाज के नेतृत्व अग्रणी नेतृत्वकारी दस्ते में हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे अपना संबोधन दें, श्री हवा सिंह जी।